शैली ये ऐसे बातों से नहीं मानेगा। ये हमें रोकेगा पर हमें रुकना नहीं है। आप मुझे हथियार दीजिए। मुझे देख क्या रहे हैं मिस्टर शैगिल? आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप चाहे तो एक पल में मुझे हथियार निकाल के दे सकते हैं। मुझे हथियार दीजिए। भाभी ऐसा मत कीजिए आप। चुप, एकदम चुप। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, और मुझे भाभी कह के बुलाना भी मत। ये नाम, ये रिश्ता तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर शैगिल आप सोच क्या रहे हैं? मुझे हथियार दीजिए। दिव्या प्लीज, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बहन का नाम लेना तो दूर की बात, उसकी तरफ नजर उठा के भी मत देखना। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने हमें मिस्टर शैगिल। एक मिनट शिखर, मैं पांच तक गिनूंगा। पांच गिनने तक हमारे रास्ते से हट जा, और अगर तू नहीं हटा तो अनर्थ हो जाएगा। एक, दो, चार, शिखर प्लीज हट जाओ, और पांच। शिखर प्लीज हटो। शिखर दिव्य, और ये चारों नमूने गुफा के बाहर तो आ गए, पर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? शिखर अब मैं रुकूंगा नहीं। ये तो वही तो ना। मिस्टर शैगिल, क्या आप भी ये धुन सुन सकते हैं? दी ये तो वही धुन है जो हमने संदूक में सुनी थी। गुफा, पर ये धुन आओ कहां से रही है? दिव्या, दृष्टि, तुम ठीक हो ना? शिखर कहाँ चला गया? वो अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया? चलो, लाल चक्कर को तो मैंने आमंत्रण दे दिया है, और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच भी जाएगा। अब बाहर चल के देखती हूँ कि ये चारों चुकंदर आखिर कर क्या रहे हैं। शिखर, शिखर, देखा, मैंने कहा था ना, वो शिखर एक नंबर का धोखेबाज है। दे दिया ना उसने हमें धोखा, हो गया ना गायब। सुनो सुनो, मैं चारों तरफ देख कर आया हूँ। वहाँ उस तरफ एक रास्ता, यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने का। हम जितनी देर यहाँ रुके उतना ही हमारी जान को खतरा है। प्लीज चलो यहाँ से जल्दी। Just shut up! मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। शिखर, oh!
मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन बाद में, लेकिन अभी के लिए ऐसे चलो प्लीज। इस शिखर पर तूने मुझे धोखा दिया, मेरी पूरी बाजी पलट दी। अब ये लोग गुफा के अंदर नहीं आए तो आप लोगों को मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? शैतान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं? मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, अंदर मत जाइए, अंदर खतरा है। खतरा तो तू है सबसे बड़ा, और खतरे को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता। ये खतरा मैं नहीं, खतरा कोई और है। अंदर मत जाइए प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए। दिवी, दिव्या प्लीज, नहीं भाभी प्लीज। गुफा के राज से पर्दा उठाने के लिए इसे एक कुर्बानी की जरूरत है। रुको, हम उस गुफा के अंदर नहीं जाएंगे। थैंक गॉड भाभी, आपने मेरी बात सुन ली। अब तुम मेरी बात सुनो, उस गुफा के अंदर हम तीनों नहीं, उस गुफा के अंदर हम चारों जाएंगे। मैं तो अपने आप की कुर्बानी देने की सोच रही थी। ये शिखर, ये एक नंबर का छोटा और धोखेबाज है। बहुत धोखे दे दिए उसने हमें, वक्त आ गया इसे सजा मिलने का। उस गुफा के अंदर हम चारों जाएंगे, और उस गुफा के अंदर चाहे जो भी होना होगा वो तुम्हारे साथ होगा। क्या होना है मैं समझा नहीं। क्यों, तुम ही कह रहे थे ना, चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए तुम हमें गुफा के अंदर नहीं जाने दोगे। अब हम सब उस गुफा के अंदर जाएंगे, फिर चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। प्लीज अंदर मत जाइए। वैसा क्या करूं कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए? तूने आज तक हमें धोखा ही धोखा दिया है, झूठ ही झूठ बोला है हर कदम पर। भैया, तुझ पर विश्वास करने का हमारे पास एक कारण नहीं है। और हाँ, मेरी बहन दिवी को अपने झांसे में लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसने क्या किया क्यों किया हमें सब पता है। दिव्या, दिव्या अपने दिमाग पर जोर डालो, सोचो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दिव्या सोचो। सोचने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। भैया चलो चलो। दोनों बहनों के हिसाब से पूरनमासी की रात 2 दिन बाद है। असली पूरनमासी की रात तो पहले ही आ गई है, वो भी नीले चांद की रात। शिखर, हम दोनों ने साचिनी की बात सुनी थी, उसके बाद तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? हाँ दिव्या, उसके बाद ही कहा था। दिवी तू क्या बोल रही है? दिव्या तुम फिर से इसकी बातों में मत आओ। दी रक्षित, एक मिनट, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, इसकी बातों का कोई मतलब है? हम दोनों ने साचिनी की बातें सुनी है, वो इतने जोर जोर से बातें कर रही थी, दरवाजे के बाहर तक उसकी आवाज आ रही थी। दी, साचिनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि हमारे घर के अंदर ही लाल चकोर के साथ इतने जोर जोर से बातें करेगी। जाहिर से बातें वो चाहती कि हम उसकी बातें सुने। हम लोग गुफा में कितनी बार आने की कोशिश कर रहे थे, हर बार कुछ ना कुछ करके हम लोग को गुफा में घुसने नहीं देती है वो। लास्ट टाइम भी उसने इतने हजारों शिखर हजारों रक्षक भेज दिया हमारे सामने, घुसने नहीं दिया। आज हम लोग केव के इतने पास है, एंट्रेंस पे है, ना कोई आंधी ना कोई तूफान, कुछ नहीं, कोई नहीं आया हम लोग को रोकने के लिए। साचिनी, लाल चक्कू, चिक्की, ये तीनों इतने पावरफुल लोग हैं, अब तक कोई क्यों नहीं आया हमें रोकने के लिए? कुछ तो बात होगी ना दी, आप बताओ है कोई जवाब इस सवाल का आपके पास? ठीक है, माना कि ये पिशाचनी का बिछाया हुआ जाल है, पर मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी कि ये बेकसूर है।